पाक पॉइंट में मैं हूं हुसैन राणा। दोस्तों आज हम बात करेंगे फलस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में। मेरे पास पांच पॉइंट है फलस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में। नंबर वन ये है कि ये जो जंग है ये फलस्तीन और इसराइल की जंग नहीं है बल्कि तीसरी बड़ी आलमी जंग की तैयारियां जो उनसी वो अरूज पर है और जोरों शोर से की जा रही है। नंबर टू, दुनिया इस वक्त बड़े वाजा तौर पर तकसीम हो चुकी है। नंबर थ्री, मिडल ईस्ट के इस बड़े तनाजे की वजह से तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने अपने तमाम के तमाम तनाजे जो उनसे हैं वो भूल गए हैं मासवाय पाकिस्तान के। बाकी तमाम इस्लामी ममालिक जितने भी हैं वो सब के सब फलस्तीन के साथ इकट्ठे हो गए हैं। नंबर फोर, सफारती महाज पर जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है उसमें अमेरिका को शदीद रसवाई का सामना करना पड़ा है। एक वोट मिला है वो भी अपना ही, जितने भी इतिहादी हैं और जो अपने इतिहादी हैं वो खुद ही आपस में मुतहिद नहीं हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट, फलस्तीन और इसराइल का ये जो तनाजा है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें ना सिर्फ इसराइल को नुकसान हो रहा है बल्कि फलस्तीन को भी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।